Heat is a form of energy and it can move from one object to another object and one place to another place. Heat जो है आसानी से मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव कर सकती है. ठीक है, जिस तरह अब ये हीट जो है इसकी जो मूवमेंट है उसकी थ्री वेज है. इन थ्री वेज में ये मूव कर सकती है. कौन कौन सी वो वेज है, कौन कौन से मेथड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ये थ्री डिफरेंट वेज है जिनके जरिए से हीट मूव करती है. सबसे पहले अब हम कंडक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज कंडक्शन. कंडक्शन इज द मोस्ट कॉमन वे टू हीट अ सॉलिड. इट इन्वॉल्व्स हीटिंग एंड हीटिंग वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द मॉलिक्यूल्स इन दैट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट व्हेन दे आर हीटेड. ये सबसे कॉमन मेथड है हीट की मूवमेंट का जिसे हम कंडक्शन कह रहे हैं. ये यूजुअली सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पर हीट आसानी से एक जगह से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो ट्रांसफर होती है वो मेथड वहां पर जो मेथड अप्लाई हो रहा होता है हीट की मूवमेंट का उसे हम क्या कह रहे हैं, कंडक्शन कह रहे हैं. कि यानी अगर हम कॉमन एग्जांपल हम आपको इस तरह से आप ले सकते हैं कि अगर आपने कुकिंग कर रहे हैं और उस कुकिंग के वक्त किसी भी पैन में अगर कोई स्पून है तो वो क्या होता है, अगर आपने कुछ देर के लिए कोई मेटल स्पून अगर आपने वहां पर उससे आप कुकिंग कर रहे हैं तो वो मेटल स्पून भी हॉट हो जाता है. वहां से हीट ट्रांसफर हो रही है, पैन से हीट किस में ट्रांसफर हो रही है, आपके स्पून में जो जिससे आप कुकिंग कर रहे हैं. लेकिन अगर हम उस मेटल की जगह हमने कोई वुड या फिर हम रबर यानी प्लास्टिक का अगर हम कोई स्पून यूटिलाइज कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो हीटअप नहीं होता. तो कंडक्शन यहाँ पर सॉलिड में कंडक्शन जो है यहाँ पर उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं और एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स पे हीट ट्रांसफर होती है और इस मेथड को हम क्या कह रहे हैं, कंडक्शन कह रहे हैं. कंडक्शन हम डिस्कस कर रहे थे, हमने आपको बताया कि ये सॉलिड में यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वाइब्रेट करते हैं और इस तरह से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट ट्रांसफर होती है. मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मूव नहीं कर रहे क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, बहुत करीब करीब होते हैं. उनके बिटवीन जो है स्पेस बहुत कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है सॉलिड में. तो वो मॉलिक्यूल सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते. तो सिर्फ उनकी वाइब्रेशन से हीट ट्रांसफर होती है. और इस तरह से हमने आपको बताया था कि प्लास्टिक अगर हम वुड यूज कर रहे हैं या प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो उसमें मॉलिक्यूल्स जो है ट्रांसफर नहीं होते. तो वो क्या है, वो कंडक्टर नहीं है. जो चीजें आसानी से हीट कंडक्ट करती हैं उन्हें हम कंडक्टर करते हैं, जिसमें से हीट पास नहीं होती उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर. अब सेकेंड मेथड जो है हीट ट्रांसफर का वो है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन स्प्रेड हीट बाय मेकिंग द मॉलिक्यूल्स मूव. इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ हीटिंग लिक्विड एंड गैसेस बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर एबल टू मूव इजिली विद इन द लिक्विड एंड गैस. अब जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा वो हमने कहा कि सॉलिड में वहां पर हीट ट्रांसफर हो रही है. अब सेकेंड मेथड जो है जो कन्वेक्शन जिसे हम कह रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है कन्वेक्शन में हीट स्प्रेड हो रही है और मॉलिक्यूल्स आसानी से मूव कर रहे हैं. ये मेथड कहाँ पे ज्यादा यूज होगा, गैसेस में और लिक्विड में, कि उनके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन बहुत ज्यादा स्पेस मौजूद होती है और वहां पे मॉलिक्यूल आसानी से मूव कर सकते हैं. तो यहाँ पर भी हीट ट्रांसफर हो रही है मॉलिक्यूल से, बट कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स आसानी से मूव कर रहे हैं और हीट ट्रांसफर हो रही है वन मॉलिक्यूल से सेकेंड मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, लिक्विड एंड गैसेस में. कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं और कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं क्योंकि लिक्विड में और गैसेस के बिटवीन बहुत ज्यादा स्पेस मौजूद होता है मॉलिक्यूल्स के बिटवीन. तो वहां पर आसानी से वो मूव करते हैं और एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट ट्रांसफर हो जाती है. नेक्स्ट और जो थर्ड हमारे पास मेथड है, जो लास्ट और थर्ड मेथड हमारे पास क्या है, रेडिएशन. अब रेडिएशन में हीट किस तरह से ट्रांसफर हो रही है, ये जो मेथड है वो ज्यादातर कहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है, कि इसके जो सबसे ज्यादा जो बड़ी एग्जांपल है वो क्या है, सन
सन रेज जो हम तक पहुंच रही है वो उस मेथड को हम क्या कह रहे हैं, रेडिएशंस कह रहे हैं, यानी कि हीट ट्रांसफर हो रही है स्पेस से, जहां पर वैक्यूम मौजूद है वहां से भी हीट मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करके अर्थ तक पहुंचते हैं। तो यहां पर हीट ट्रांसफर हो रही है वेव्स के जरिए से, तो उस मेथड को हम क्या कह रहे हैं, रेडिएशंस कह रहे हैं। तो टोटल हमने 3 मेथड यहां पे पढ़े। सबसे पहले हीट क्या आती है हमने ये डिस्कस करा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो हीट ट्रांसफर हो सकती है 3 मेथड से। वो 3 मेथड्स हमारे पास कौन कौन से थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रेडिएशंस में हमने आपको ये बताया कि रेडिएशंस में द हीट इज कॉल्ड द रेडिएशन, हीट लीव्स एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। यहाँ पर हीट वेव्स की शक्ल में मूव करती है, और इस तरह से जो इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है वो सन है, कि सन रेज जो हम तक पहुंचती है वो वेव्स की शक्ल में अर्थ तक पहुंचती है। इस तरह से हमने आपको तीनों टाइप्स ऑफ हीट थी कि किस तरह से ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर ऑफ हीट के जो मेथड्स थे वो हमने आपको सारे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिए बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइट। लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिस तरह से हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है बिल्कुल इसी तरह से लाइट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट ट्रेवल इन अ वेव्स, इफ लाइट वेव्स आर लेफ्ट अलोन दे विल ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप तमाम स्टूडेंट्स पहले भी बहुत दफा पढ़ चुके होंगे कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वेव्स की शक्ल में ये ट्रेवल करती है, और सबसे ज्यादा स्पीड जो है वो लाइट ही की है ट्रेवलिंग में। जो अगर हम साउंड को देखें या हम हीट को हम देख रहे हैं या लाइट और किसी जो डिफरेंट चीजें हैं उनमें सबसे फास्टेस्ट जो मूवमेंट है वो लाइट की मूवमेंट है, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। बट इफ अब स्ट्रेट लाइन में ये मूव करिए, लेकिन अगर इसके रास्ते में कुछ ऑब्जेक्ट आते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट से ये तो पास आउट हो जाती है, जैसे अगर कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल थे तो उनसे ये पास हो जाएगी। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे ये पास नहीं हो पाती, तो उनसे ये हिट होकर के वापस आती है। तो डिफरेंट फिनोमेना यहाँ पर होते हैं। तो जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होकर के वापस आती है तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन इज व्हेन द लाइट वेव्स बाउंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट। अब ये रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी होता है और रेगुलर रिफ्लेक्शन भी होता है। इट्स डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है चीजें जिस ऑब्जेक्ट से लाइट जो है स्ट्राइक हो रही है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत स्मूथ और शाइनी है तो जो रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा वो रिफ्लेक्शन किस तरह का होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है रफ है, उसमें कोई शाइनिंग नहीं है, डल मटेरियल है, अगर उससे लाइट रे स्ट्राइक हो रही है तो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन इज अ बाउंस बैक ऑफ अ लाइट, और ये रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है। अब कौन कौन से टाइप से, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस और शाइनी मटेरियल से स्ट्राइक होती है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, और किसी रफ सरफेस से स्ट्राइक करिए तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट, और ये बेंडिंग ऑफ लाइट कब होती है, जब लाइट एक मटेरियल से दूसरी मटेरियल में यानी में ट्रेवल करती है। अब यहाँ पे टू मटेरियल कौन कौन से, अगर हम यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आपको शो किया गया है, वाटर जो मौजूद है ग्लास में और इसमें एक स्ट्रॉ मौजूद है, ये स्ट्रॉ आपको कैसा नजर आ रहा है, ब्रेकअप हुआ हुआ नजर आ रहा है। तो ये ब्रेक नहीं हुआ हुआ, ये सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो मटेरियल है यहाँ पर, एक ग्लास और उसके बाद सेकेंड मटेरियल है वाटर। लाइट जब ग्लास से पास होती है और उसके बाद जब वाटर में एंटर होती है तो यहाँ पे लाइट बैंड हो जाती है। दोनों हर मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती है। दोनों ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ग्लास भी और वाटर भी, दोनों में उसकी स्पीड डिफरेंट है, लाइट की स्पीड दोनों में डिफरेंट है। ये स्पीड
ऑफ लाइट जो चेंज होती है उसकी वजह से वहां पर लाइट बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। लाइट से रिलेटेड हमारे पास जो थर्ड जो है ये डिफ्रैक्शन है, ये कॉमनली हम कब देख सकते हैं, हम ये क्लाउड्स में हम इसको देख सकते हैं जब उसके एजेस के ऊपर जो स्लाइटली बेंडिंग होती है सिर्फ एजेस पर, और वहां पर वो एक सिल्वर लाइन से फॉर्म हो जाती है, उसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। डिफरेंट काइंड ऑफ लेंसेज ह्यूमंस ने मेड करे हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज कौन कौन से हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज हैं और कॉन्केव लेंसेज हैं। अब इन लेंसेज का डिफरेंट यूज भी किया जाता है, स्पेशली स्पेक्टिकल्स में इसको हम यूज करते हैं। जो डिफरेंट पीपल्स शॉर्ट साइटेड होते हैं, कुछ लॉन्ग साइटेड होते हैं, कुछ को करीब की चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है और कुछ लोगों को दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये टू टाइप्स लेंसेज हमें यहाँ पे पढ़ने के कौन कौन से लेंसेज जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं। कॉन्वेक्स लेंसेज को सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे। अ कॉन्वेक्स मिरर और लेंस इज वन दैट द बल्क्स आउट टूवर्ड द लाइट सोर्स। किस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है कि ये आउटवर्ड होते हैं लाइट सोर्स की तरफ से, बल्क से, और उसके एजेस जो होंगे वो थिन होंगे, सेंटर से ये थिक होगा। व्हेन द लाइट हिट्स अ कॉन्वेक्स मिरर और लेंस द रिफ्लेक्टेड वेव्स स्प्रेड आउट एंड द इमेज अपियर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज से स्मॉल इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा। कॉन्वेक्स लेंसेस इन स्पेक्टिकल्स हेल्प पीपल हु आर लॉन्ग साइटेड। वो लोग ये स्पेक्टिकल्स में वो पर्सन इसे यूटिलाइज करते हैं जिनको लॉन्ग साइटेड प्रॉब्लम होती है, विच मीन्स दे हैव प्रॉब्लम सीइंग थिंग्स दैट आर क्लोज टू देम। यानी उन्हें अपने करीब जो चीज़ें मौजूद होती हैं उन्हें देखने में जो प्रॉब्लम्स होती है वो लोग कॉन्वेक्स लेंसेस यूज करते हैं। सेकेंड हमारे पास है कॉन्केव लेंसेस। कॉन्केव मिरर और लेंस इज वन दैट अपीयर्स सनकिन इन द मिडल। अब ये बिल्कुल उसके रिवर्स होते हैं, वो बल्क आउट टूवर्ड होते हैं, ये सनकिन होते हैं मिड से, और इनके एजेस जो हैं वो थिक होते हैं। व्हेन द लाइट्स हिट अ कॉन्केव मिरर और लेंस द लाइट इज डायरेक्टेड इनटू द सेंटर। जब लाइट इस मिरर पर से स्ट्राइक होती है या हिट करती है तो ये तमाम लाइट जो है सेंटर में डायरेक्ट कर दी जाती है। यानी कि तमाम लाइट कहाँ पर कलेक्ट हो जाती है, सेंटर में। द वे द इमेज अपीयर्स डिपेंड, अब इमेज किस तरह से फॉर्म होगा ये इस पर डिपेंड करता है कि इमेज उस लेंस के कितने करीब है। अगर बहुत करीब है तो बहुत जो है बिग इमेज उसका फॉर्म होगा, जितना हम उसे क्लोज रख रहे होंगे उस हिसाब से उसका इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा। कॉन्केव जो लेंसेज हैं या कॉन्केव मिरर्स जो हैं उन्हें हम स्पेक्टिकल्स में भी यूज करते हैं, और ये कौन यूज करते हैं, जो शॉर्ट साइटेड होते हैं, विच मीन्स दे हैव द प्रॉब्लम सीइंग थिंग्स दैट आर फार अवे। जो जिन्हें दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है वो पर्सन यूज करते हैं, और उसके साथ साथ ये मिरर्स हम यूटिलाइज करते हैं शेविंग मिरर के तौर पर भी और मेकअप मिरर के तौर पर भी, क्योंकि इसमें हमें अपना इमेज जो है वो क्लोजअप नजर आता है या इमेज जो है बड़ा आपको यहाँ पर नजर आ रहा होता है। इस चैप्टर में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो साउंड है। साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट प्रोड्यूस विद वाइब्रेशन। जो भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे ही साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड जो है ये भी वेव्स की शक्ल में मूव करता है, और साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत होती है। ये मीडियम सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस क्या कर रहे हैं, इको डिस्कस कर रहे हैं। इको क्या है, जो रिपीटेड साउंड हम सुनते हैं उसे हम इको कहते हैं, और ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, किस स्पेशली ये वैलीज में प्रोड्यूस होता है कि ये आपको अपनी आवाज़ अपना कहवा कुछ कहावा कोई भी सेंटेंस बार बार आप उसे सुन रहे होते हैं, 2-3 times जो रिपीट हो रहे होते हैं आपकी अपनी साउंड, उसे हम इको कहते हैं। ठीक, उसके बाद सेकंड है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन में जो इको टाइम है वो बहुत शॉर्ट होता है, और आपका जो ओरिजिनल साउंड है वो उसका जो टाइम है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं।
और इस रिवर्ब्रेशन को हम स्पेशली कहाँ यूटिलाइज कर रहे होते हैं, कॉन्सर्ट हॉल में यूज कर रहे होते हैं, जहाँ हम चाह रहे होते हैं कि कुछ सेंटेंस जो है बहुत ज्यादा जिनको हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो उन सेंटेंस को हम चाहते हैं कि वो थोड़ी लॉन्ग हो जाए जो ओरिजिनल सेंटेंस है, तो उसे हम वहाँ पर यूटिलाइज कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम इको को भी यूज कर रहे होते हैं। इको हमेशा कब प्रोड्यूस हो रहा होता है, जब आपकी जो साउंड है वो हिट करती है किसी भी रफ सरफेस से हिट करती है, तो साउंड इको प्रोड्यूस होता है। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए डिफरेंट मीडियम की जरूरत होती है। अब अगर हम लिक्विड हमारे पास जो मीडियम वाटर है, तो वाटर में अगर हम कोल्ड वाटर और वार्म वाटर में अगर हम साउंड को ट्रैवल कर रहा है, तो हॉट वाटर में साउंड जो है ज़्यादा फास्टर मूव करेगा एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वहाँ पर वार्म वाटर में ज़्यादा आसानी से मूव कर रहे होंगे, वहाँ पर वाइब्रेट आसानी से कर रहे होंगे, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर साउंड फास्टेस्ट जो ट्रैवल करता है वो सॉलिड में करता है, उसके बाद लिक्विड, और सबसे स्लो मूव करता है गैसेस में। हम जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं उस वक्त साउंड जो ट्रैवल कर रहा होता है, जब हम किसी की बात सुन रहे हैं, तो वो वहाँ पर हमारा जो मीडियम होता है वो क्या होता है, एयर होता है हमारा मीडियम। अब डिफरेंट टाइप के साउंड होते हैं, कुछ साउंड प्लेजेंट होते हैं, कुछ बहुत हमें अच्छे नहीं लग रहे होते हैं, तो उन जो अनप्लेजेंट साउंड होते हैं उसे हम नॉइस कहते हैं, और जो प्लेजेंट साउंड होते हैं उन प्लेजेंट साउंड्स को हम क्या कहते हैं, म्यूजिक कहते हैं। म्यूजिक इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट साउंड। म्यूजिक क्या है, हमारे पास कलेक्शन ऑफ डिफरेंट साउंड्स हैं, लेकिन ये म्यूजिक हमें अच्छा लग रहा होता है, जो हमें इसमें आपको जो है आपको इसको सुन करके आपको खुशी हो रही होती है, आपको ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, इरिटेटिंग नहीं लग रहा होता, तो जो चीज़ें आपको इरिटेट कर रही होती हैं उसे हम नॉइस कहते हैं। यानी कि अगर प्लेजेंट साउंड है तो उसको हम म्यूजिक कहेंगे, और अनप्लेजेंट साउंड है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉइस कहेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे साउंड मौजूद होते हैं, और ये जो डिफरेंट म्यूजिक से हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। अगर हम वायलिन की बात कर रहे हैं, हम गिटार की बात कर रहे हैं, तो इन सब में एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है जो डिफरेंट टाइप्स के साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम फ्लूट की बात करते हैं, अगर हम अपनी ही बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से सिंगिंग कर रहे हैं या टॉकिंग कर रहे हैं, तो हमारी जो कार्टिलेज बोन्स हैं ये वाइब्रेट कर रही होती हैं, और उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो साउंड हमेशा वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट्स, हमने आपको इस वीडियो में हीट, लाइट एंड साउंड आपको एक्सप्लेन करा है, इन तीनों चीज़ें हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।